कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही क्विक रेसिपी और बहुत ही ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस। उसका नाम है एनर्जी बार। ना हमें इसमें किसी घी की जरूरत होगी, ना ही किसी चीनी की और ना ही गुड़ की। बहुत ही आसानी से झटपट ये घर में तैयार हो जाती हैं। सबसे अच्छी बात, इनका इतना फायदा है कि अगर आप मॉर्निंग में दूध के साथ एक बार खा लेते हैं तो समझिए आपकी बॉडी के लिए सारे न्यूट्रिशन भी मिल गए और आप इंस्टेंटली एनर्जेटिक हो गए। तो जब भी कभी आप थका हुआ महसूस करें या आपको सुबह कुछ समझ नहीं आ रहा बहुत जल्दी है, तो बस एक एनर्जी बार खा लीजिए। एक तो एनर्जी भी आ जाएगी सुबह के लिए और फटाफट आपको फुल न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। आजकल मार्केट में बहुत सारी आप देखते होंगे एनर्जी बार मिल रही हैं बहुत कंपनी की, लेकिन सभी में प्रिजर्वेटिव्स में नहीं रहते हैं। पर जो आप घर में बनाएंगी वो बिल्कुल प्रिजर्वेटिव फ्री होगी, बिल्कुल शुद्ध और बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं एनर्जी बार की ये क्विक रेसिपी। एनर्जी बार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं लगभग 180 ग्राम ये मैंने लिए हैं डेट्स यानी कि खजूर। इनका मैंने बीज निकाल दिया है। आजकल मार्केट में सीडलेस भी आते हैं, चाहे तो आप वो ले लें। इस तरीके के मुलायम खजूर आपको चाहिए होंगे, बहुत इजीली ये बाजार में मिल जाते हैं। लगभग 180 ग्राम टू 200 ग्राम हमें ये चाहिए होंगे। ये मैंने लिया है 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम मूंगफली, 50 ग्राम अखरोट, 50 ग्राम बादाम। यहाँ मैंने इस तरीके से चार तरीके के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप अपने मन के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ ले सकते हैं, चाहे आप पिस्ता ले लें या अगर आपको कुछ इसमें से स्किप करना है तो वो भी आप इसमें से हटा सकते हैं। तो इस विंटर स्पेशल एनर्जी बार के लिए हमें सबसे पहले जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इनको हमें रोस्ट करना होगा, यानी हल्का हम इन्हें भूनेंगे। यहाँ दो ऑप्शन है, आप बिना भूने भी बना सकते हैं, बस डायरेक्ट आप मिक्सी में पीसिए तो उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं भून के बना रही हूँ। भूनने से दो काम बहुत अच्छे हो जाते हैं, एक तो स्वाद बहुत बढ़ जाता है, दूसरा इसकी लाइफ भी एक्सटेंड हो जाती है, यानी ज्यादा दिन तक चल पाता है। तो मैं इसको हल्का सा रोस्ट करूंगी। पहले गैस पर हम एक पैन चढ़ाएंगे और सारी मेवा को हम बिल्कुल ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्का सा पैन गरम करेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी काजू, हमें बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है या किसी ऑयल की कोई जरूरत नहीं है। तो हम इस तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर काजू को हल्का सुनहरा भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हम बिल्कुल हल्का सा इसको भून लेंगे। काजू हल्के भुन गए हैं तो मैं गैस को ऑफ करके एक प्लेट में इसको उतार लेती हूँ। अब इसी तरीके से वापस हम पैन को गैस पर चढ़ाएंगे और मूंगफली को भून लेंगे। ये रॉ मूंगफली है, ये आपको इजीली किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएंगी। इसको भी हम हल्का गोल्डन भून लेंगे। मूंगफली भी अच्छी तरीके से देखिए भून गई है। तो अब मैं जो है गैस को ऑफ करके इसको भी प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हम भूनेंगे बादाम, इनको भी हम हल्का भून लेंगे। पिस्ता ले रहे हैं तो आप पिस्ता भी हल्का भून सकते हैं, वरना आप बिना भुने भी बनाया जा सकता है। बादाम भी लगभग तैयार है भून करके, सिर्फ 2 से 3 मिनट हमें करना है। आप देख सकते हैं कि बादाम भी अच्छे से भुन गए हैं। और इसी तरीके से हल्का हम भुनेंगे अखरोट को। और जैसे मैंने बताया कि जिस भी ड्राई फ्रूट का टेस्ट आपको या बच्चों को पसंद नहीं है उसको आप स्किप कर दें और दूसरा कोई भी ड्राई फ्रूट अपने मन का आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। रोस्ट करने से ड्राई बहुत ही सौंधा और बढ़िया टेस्ट आ जाता है एनर्जी बार में। मुझे भुनी हुई का ही ज्यादा अच्छी लगती है एनर्जी बार। अखरोट भी बिल्कुल भुन करके तैयार है, बहुत ही लाइट हमें रोस्ट करना है। तो गैस को ऑफ कर देते हैं, इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए सभी चीजें मैंने अच्छी तरीके से तैयार कर ली हैं भून करके। हल्का सा इसको हम ठंडा होने देंगे क्योंकि ये हमें मिक्सी में पीसनी है और खजूर को भूनने की कोई जरूरत नहीं है, वो इसी तरीके से डाला जाता है। तो सीडलेस ये खजूर है। सभी चीजें ठंडी हो गई हैं तो अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और उसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीस लेंगे। बहुत ज्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हमें दरदरा पीसना होगा। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को पीसेंगे। और ये देखिए मैंने इस तरीके का मोटा इसको पीस लिया है। बहुत ज्यादा आपको मिक्सी चलाने की जरूरत नहीं है, 2 पुश में ही ये तैयार हो जाता है। अब इसमें हम डालेंगे
हमने जो डेट्स लिए थे उसको अब हम डालेंगे इसमें। अब अच्छी तरीके से वापस हम ग्राइंडर को चलाएंगे, अच्छी तरीके से डेट्स इसके साथ मिक्स हो जाएं। मैंने इसको पीस लिया है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। और ये बिल्कुल तैयार है, और आप देख सकते हैं इस तरीके का दरदरा हमें चाहिए होगा बार्स बनाने के लिए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट हमारा ये तैयार है। बस अब हम इसको एक कंटेनर में खाली करेंगे और इसकी बार जमाएंगे। अब आप कोई भी ट्रे, बॉक्स, कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी कंटेनर। उस पर मैं लगा रही हूँ फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल जो आप खाना पैक करने में यूज करते हैं। आप यहाँ पर इसकी जगह पर क्लिंग रैप, जो प्लास्टिक शीट आती है, वो भी लगा सकते हैं। कोई भी प्लास्टिक की आप यहाँ लगा सकते हैं, जिससे कि इजीली बार निकल आए। या फिर आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस पर लगा देती हूँ फॉइल। इस तरीके से मैंने कंटेनर में फॉइल को बिछा दिया है। अब हम इस सारे मिक्स को इस पर निकाल लेंगे। तो मैंने सारे मिक्स को ग्राइंडर से निकाल करके इसमें ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसको बराबर कर देंगे चम्मच की मदद से, दबा दबा करके। इस तरीके से आप चम्मच से प्रेस करते जाएं और इसे बराबर कर लें, बिल्कुल अच्छी तरीके से दबा लें, जिससे कि ये बिल्कुल जमकर बार जैसा बन जाए। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और भी हैं। सिलिकॉन ट्रेज आती हैं आजकल मार्केट में, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके की सिलिकॉन ट्रे आपको मिल जाएगी, कहीं भी आजकल ये मिल जाती हैं। इसमें आप बच्चों के लिए चॉकलेट या बर्फ के क्यूब्स हम सब जमाते हैं, बहुत आसानी से आप इसमें भी जमा सकते हैं। इसमें डिजाइनदार शेप आ जाएगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। ये आपको मार्केट में सिलिकॉन ट्रे के नाम से मिल जाएगी। इसमें कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है, और इस तरह से जब आप पीछे से प्रेस करेंगे तो वो बाहर निकल आती है। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, हर डिज़ाइन की आती हैं। आप क्रिसमस से रिलेटेड या आप एनिमल थीम से रिलेटेड किसी भी चीज़ की आपको ये मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं मैंने स्पून से पूरा इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया है। और हम इसके ऊपर ये फॉइल ढक देते हैं और फ्रिज में लगभग 1 से 2 घंटे के लिए हम इसे जमने के लिए रख देंगे। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी और फिर हम काट करके हमारी बार्स तैयार हो जाएंगी। इस तरीके से मैं अब इसको फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रीजर में नहीं जरूरत है रखने की, नीचे फ्रिज में ही रखेंगे हम, और लगभग 1 से 2 घंटे के लिए। लगभग 1 घंटा हो चुका है, तो चलिए अपने क्विक विंटर एनर्जी बार को चेक कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसे खोलेंगे और ये बिल्कुल बढ़िया, आप देख सकते हैं अच्छी जम गई है। ये देखिए कितनी बढ़िया एनर्जी बार जम करके तैयार हुई है। ये देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल। अब इसको आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, चाहे तो आप लंबी बार्स बना लीजिए या आप चौकोर काट लीजिए। एक चीज मैं और आपको बता देती हूँ इससे रिलेटेड, आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। जिस वक्त हमने बनाई थी, आप उस टाइम पर इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं, केसर भी डाल सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा वनीला एसेंस का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। अब इसे हम चाकू की मदद से धीरे धीरे कट कर लेंगे। क्विक विंटर स्पेशल एनर्जी बार्स बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही डिलीशियस, हेल्दी भी, टेस्टी भी। मैं अब आपको दिखाती हूँ, मैंने सिलिकॉन ट्रे में भी 2 पीसेस को जमाया था, फ्रीज किया था, तो मैं इसको आपको निकाल कर दिखाती हूँ। इस तरीके से पीछे से हम पुश कर देंगे और ये हमारे बाहर आ जाएंगे। वाओ, आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर ये सिलिकॉन जो हमारी ट्रे थी उसमें ये बनकर निकली। और इसी तरीके से मेरे पास सिलिकॉन ट्रे में क्रिसमस का पैटर्न है, और देखिए ये एनिमल का है। मैं इन सिलिकॉन ट्रे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और ये मार्केट में भी इजीली मिल जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर एकदम कैंडी स्टाइल एनर्जी बार इससे बने हैं। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा तरीका लगा, क्योंकि बच्चों को स्पेशली हर चीज़ खिलाने में मुश्किल होती है, लेकिन हम थोड़े से चेंजेस से या ट्विस्ट से हम बच्चों को वो चीज़ें खिला सकते हैं।
हैं। अब ये आप एनर्जी बार फटाफट बनाइए, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और जैसे आपने देखा बहुत ही क्विकली बन गई। कभी भी अगर आप ऑफिस में थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो अपने साथ ले जाइए और ऑफिस में खाइए, बच्चों के लंच बॉक्स में रखिए और जब बन जाए, क्योंकि सर्दियों के लिए ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, शरीर को गर्माई भी देती है और बॉडी के लिए पौष्टिक भी है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ये पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक सब जगह शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में।